वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि वो इस मुद्दे को विधान परिषद में भी उठाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस मसले पर बीजेपी नेता चित्रा वाघ से सवाल किया है कि उर्फी जावेद के पहनावे पर बोलने वाली चित्रा वाघ किरीट के मामले में चुप क्यों है। वैसे खुद को घिरता देख खुद किरीट सोमैया ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखकर इस वीडियो की जांच कराने की मांग की है, लेकिन ये मामला इतना आसानी से शांत होता नहीं दिखता। बैंगलोर में दो दिनों तक चली विपक्ष की बैठक के बाद अब अगली बैठक मुंबई में होगी। हालांकि इसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी बैठक में 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान होगा। इसके साथ ही एक कॉमन सेक्रेटरिएट भी बनाया जाएगा जो पूरे कैंपेन पर नजर रखेगा और वो दिल्ली से ऑपरेट करेगा। अब इसमें देखना है कि महाराष्ट्र की पार्टियों से कितने लोगों को इसमें जगह दी जाती है। मुंबई की सेकंड लाइफलाइन मानी जाने वाली बेस्ट की बसें क्या पहले की तरह सुरक्षित नहीं है? मुंबई के विक्रोली इलाके में बेस्ट बस में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह व्यक्ति पहले बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके ठीक एक दिन पहले मरोल में एक बेस्ट बस में आग लग गई थी और इसमें 35 यात्रियों की जान पे बनाई थी। 30 जून को भी बेस्ट बस में सफर करते वक्त एक यात्री की गिरकर मौत हो गई थी। इन दिनों एक ऐसी लड़की का बराबर जिक्र हो रहा है जो एनसीपी नेता शरद पवार के साथ साये की तरह रहती है। इस मिस्ट्री वुमन की शरद पवार के साथ एक फ्लाइट में ली गई तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। हर कोई जानना चाहता है कि वो कौन है, तो हम आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि एनसीपी की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव सोनिया दुहन है और वो शरद पवार के करीबियों में से एक है। सोनिया 21 साल की उम्र से ही एनसीपी से जुड़ी हुई हैं। सोनिया को एनसीपी में लेडी जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि 2019 में गुरुग्राम के ओबेरॉय होटल से उन्होंने एनसीपी के 4 विधायकों को जेम्स बॉन्ड सरीखे अंदाज में बाहर निकाल लिया था। ये विधायक अजीत पवार की बगावत के बाद बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में थे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, पालघर, पुणे, कोकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन रेड अलर्ट पालघर, रायगढ़ जिलों के लिए है जहां लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है और बहुत जरूरी न होने पर घर से न निकलने की नसीहत दी गई है।